हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर मूविंग ऑन आवर जीके सब्जेक्ट एंड इन जीके वी आर गोइंग ऑन लेसन नंबर 11। द लेसन 11 इज अबाउट फ्रूट्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। स्टूडेंट्स, ईटिंग फ्रूट्स प्रोवाइड्स इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स। पीपल हु ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर लाइकली टू हैव अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सम डिसीजेस। फ्रूट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स विच आर वाइटल फॉर हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे कि फ्रूट्स जो होता है वो ऑलवेज हमेशा आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आपको हमेशा हेल्थ के लिए, आप कभी भी जब बीमार पड़ते होंगे तो मैक्सिमम टाइम्स डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि आपको फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। और फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से स्टूडेंट्स, फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं तो आप मैक्सिमम ऐसे डिसीजेज हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप दूर रहेंगे। और ये हमारे हेल्थ को भी मेंटेन करता है, बॉडी को भी फिट रखता है और हमारा जो डाइजेशन होता है वो भी फ्रूट्स से बहुत ही सही रहता है, डाइजेशन सिस्टम हमारा जो होता है। ओके, नाउ हियर इज गिवन अ lots of picture of fruits students, and in down the picture of down you can see there are some letters which are jumbled। ye letters diye hain jo mix up hain, aapko inko right way mein students likhna hai jisse clear ho ki ye is fruit ka kya name hai। okay, so first we start from first figure। okay, so students write here date all of you 8/7/2020। ओके, नाउ फर्स्ट नंबर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फिगर इज ऑफ पोमीग्रेनेट। सो यू हैव टू राइट हियर स्पेलिंग ऑफ पोमीग्रेनेट, पी ओ एम ई जी आर ए एन ए टी ई, पोमीग्रेनेट। ये राइट स्पेलिंग है, आपको इसमें से फाइंड करके लेटर्स को यहाँ लिखना था। सेकंड इज एप्रिकॉट, सो राइट स्पेलिंग इज ए पी आर आई सी ओ टी, एप्रिकॉट। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपको बाकी के भी जो फिगर दिए हुए हैं उसके बेस पे नीचे लेटर्स दिए हैं जो मिक्सअप हैं, उन्हें राइट वे में आपको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस ऑल दोज आर लेफ्ट इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हियर इज गिवन अ फैक्ट फाइल, स्ट्रॉबेरीज आर द ओनली फ्रूट्स इन द वर्ल्ड दैट ग्रो सीड्स ऑन द आउटसाइड। स्टूडेंट्स, जो स्ट्रॉबेरी का ये यहाँ पे दिया है ना, स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज जो होते हैं ये एक ऐसा फ्रूट है जिनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट के बाहर होते हैं, इनके अंदर नहीं होते हैं, और ये रोज़ फैमिली से रिलेटेड होते हैं। बाकी आप कोई भी अगर आप इसमें से फ्रूट्स उठाएंगे स्टूडेंट्स, तो इनके सीड्स इनके अंदर ही होते हैं। आप देख सकते हैं ग्वावा के भी, प्लम के, पाइनएप्पल्स के, कीवी फ्रूट होता है जो इसके भी सीड्स अंदर होते हैं, ऑरेंज के भी छोटे छोटे सीड्स उसके अंदर होते हैं, एप्रिकॉट का आप देख सकते हैं, मैंगो हो गए, बनाना के भी स्मॉल सीड्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं, एकदम स्मॉल स्मॉल अंदर ब्लैक होते हैं ना, वो उनके सीड्स होते हैं। इस तरह के जो काफ़ी ऐसे सारे फ्रूट्स हैं जिनके सीड्स उनके अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं, बट स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं इनके सीड्स बाहर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट इन योर बुक ओनली। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 12 फ्रॉम द सेम फैमिली। हेयर इज गिवन अ फ्रॉम द सेम फैमिली, लेसन 12 इज स्टूडेंट्स, हेयर आर गिवन अ पिक्चर्स सम पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू नेम दैम। यहाँ पे जो फिगर्स दिए गए हैं आपको इनको राइट नेम देना है कि ये हैं क्या एक्चुअली में। लाइक फर्स्ट इज एप्पल, ग्रैप्स, पाइन एप्पल, ये क्या हैं स्टूडेंट्स? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, क्या हैं ये? फ्रूट्स हैं। सो यू हैव टू राइट हियर फ्रूट्स, दे आर ऑल फ्रूट्स। देन नेक्स्ट इज फ्लावर,
आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो ये जो फ्लावर्स हैं इनको आप टोटल लिखेंगे यहाँ पे, दे आर ऑल फ्लावर्स। नेक्स्ट इज एलसीडी टीवी, लाइक टीवी, फ्रिज एंड ओवन, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सो यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक, ई एल ई, वन सेकेंड, यस, ई एल ई सी टी आर ओ एन आई सी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। देन थर्ड इज कैबेज, गार्लिक, अनियन, सो थर्ड नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर इज ऑल वेजिटेबल्स। स्टूडेंट्स इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भले वो डिफरेंट डिफरेंट हैं बट एक ग्रुप के हैं, ये क्या हैं, एक ग्रुप के हैं। कभी जब आपके स्कूल में गेम्स होता होगा, टीम डिवाइड होती है, तो क्या टीम में सब एक जैसे होते हैं? नहीं। मान लीजिए सपोज दो टीम या तीन टीम बनती है तो हर टीम में अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, बट उसको नाम दे दिया जाता है ना, टीम ए या टीम बी या टीम सी, इस तरह से। तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे चीज़ें वो एक ही हैं लेकिन इन्हें एक ग्रुप दिया गया है, जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस तरह से। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन। आवर नेक्स्ट लेसन इज नो द शेप्स, शेप्स के बारे में है। शेप्स बहुत से टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक सब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल, हाउ मैनी, देर आर थ्री कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कितने कॉर्नर होते हैं, थ्री कॉर्नर होते हैं। जैसे स्टार है, कोन, हार्ट शेप, क्यूबाइड, देन स्फीयर, इसी तरह से बहुत सारे शेप्स होते हैं। यहाँ पे मैच द गिवन ऑब्जेक्ट्स विद द करेक्ट शेप्स, यहाँ पे शेप्स दिए हैं, यहाँ पे नेम दिए हैं, मैं रीड कर रही हूँ, आपको मैच करना है। नंबर ए इज ट्रायंगल, वेयर इज ट्रायंगल, यू हैव टू मैच नंबर ए फ्रॉम ट्रायंगल, वेयर इज ट्रायंगल स्टूडेंट्स, हेयर इज ट्रायंगल, यू हैव टू मैच इट लाइक दिस। देन बी नंबर इज हार्ट, वेयर इज हार्ट, ऑन नंबर फोर। सी इज स्फीयर, स्फीयर इज हेयर। देन क्यूब, क्यूब को ही हम क्यूबाइड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। देन स्टार, वेयर इज स्टार, देन कोन, सो मैच फ्रॉम कोन। क्रॉस द ऑड वन आउट, हेयर इज गिवन सम वर्ड्स, यू हैव टू क्रॉस विच इज नॉट मैचड, लाइक फुटबॉल, सन, ऑरेंज, बकेट, फुटबॉल, सन, ऑरेंज, बकेट। स्टूडेंट्स मैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए फिगर कुछ बना रही हूँ, आप उसे आप अपने बुक में मत ड्रॉ करिएगा। फुटबॉल कैसा होता है स्टूडेंट्स, सर्कल। सन कैसा होता है, सर्कल। ऑरेंज कैसा होता है, सर्कल। बट स्टूडेंट बकेट कैसा होता है, लाइक दिस। तो इसमें से ऑड कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, इन सब में डिफरेंट कौन सा है, विच वन इज डिफरेंट, फुटबॉल नो, सन नो, ऑरेंज नो, बकेट इज डिफरेंट, यस, सो यू हैव टू क्रॉस इट। नाउ जस्ट रीड द क्लूज एंड टेक द शेप ऑफ यू थिंक इज द आंसर, यहाँ क्लूज दिया गया है, इसको रीड करना है और जो राइट आंसर है आपको लगता है हाँ ये हो सकता है, वहाँ पे टिक करना है। आई हैव, यहाँ बोल रहा है कि मेरे पास वन फ्लैट फेस, फोर कॉर्नर्स एंड फोर स्ट्रेट एजेस, ऑल द सेम, ऑल ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट एम आई। यहाँ पे बोल रहा है मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, मेरे पास चार कॉर्नर हैं, चार कॉर्नर हैं और मेरी सारे लेंथ जो हैं वो सेम है, मैं कौन हूँ, तो आई एम अ स्क्वायर, यू हैव टू टेक हियर, हियर इज सेइंग आई हैव वन फ्लैट फेस, अगेन आई हैव वन फ्लैट फेस, थ्री कॉर्नर्स,
three corners and three straight edges. Three straight edges. What am I? मैं कौन हूँ? Triangle. You have to take here. Okay, students. Now we have completed lesson 11, 12 and 13 in our book. And next day I will send you the work of copy. Okay, students. Thank you. Have a nice day.